हेलो, फेसबुक अमूल लाइव में आप सबका वेलकम है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो, अमूल पेज फेसबुक में आप सबका वेलकम है। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंजी चेतवानी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अंजी चेतवानी। मैं आज बनाऊंगी फ्रूट क्रीम एंड इटालियन क्रीम पास्ता। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले डालेंगे अनार को एंड फ्रूट्स डालेंगे, एप्पल एंड ड्राई फ्रूट, चीनी। आप टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं चीनी, पिसी हुई चीनी आप देख सकते हैं। फिर डालेंगे अमूल क्रीम जो खाने में टेस्ट बढ़ाए। ये देख सकते हैं मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रूट्स। आप अपने अकॉर्डिंग फ्रूट्स को डाल सकते हैं। मैंने अनार को डाला है एंड एप्पल को डाला है, ड्राई फ्रूट डाले हैं। ड्राई फ्रूट को आप और ऐड कर सकते हैं। ये मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा फ्रिज में रख दूँगी। विंटर में ठंडा खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। आप भी खाइए, इंजॉय करिए। मैं इसको ठंडा करने के लिए रखूंगी फ्रिज में। तो मैं ठंडा करने के लिए रखूंगी। ये देखिए, मैं तो फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ये सेकंड इंग्रेडिएंट पे आते हैं, इटालियन क्रीम पास्ता। मैंने गैस चला को ऑन करेंगे। गैस पर मैंने डाला बटर, डालेंगे बटर, अमूल का बटर जो खाने के टेस्ट को और बढ़ाए। अमूल का बटर जो खाने के टेस्ट को और बढ़ाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर देखिए, इधर से मेल्ट होने लेंगे। ये मेल्ट हो गई क्योंकि ये इटालियन क्रीम पास्ता है, तो उसमें क्रीम एंड सॉसेस जाएंगी। तो ये मेरा बटर इसमें डालेंगे। पहले हीट को लो कर देंगे ताकि चले ना। फ्लेम को लो करने के बाद मैं डालूंगी ये सॉसेस। आप कोई भी सॉसेस डाल सकते हैं, टमाटो, केचप, कोई भी आप डाल सकते हैं जो आपको आपके टेस्ट अकॉर्डिंग अच्छी हो। डालेंगे क्रीम अच्छे से। देखिए, ये देखिए अमूल क्रीम जो खाने के टेस्ट को बढ़ाए। अकॉर्डिंग नमक,
क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक कम डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब मैं डालूँगी अजीनोमोटो एंड चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो, नमक डालिएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, तो ज़्यादा भी हो सकता है। फिर डालिए मेरी पास्ता, ये देखिए ग्रीन चिली पास्ता, गरम पास्ता। हेलो हेलो एवरीवन, आप सब कहाँ से है मुझे बताते रहिएगा, मैं लवली हूँ, आप सब कहाँ से है प्लीज लाइक एंड कमेंट। ये मेरी इटालियन चीजी पास्ता रेडी नाउ, देखने में जितनी टेस्टी है खाने में ऑलरेडी बहुत टेस्ट है। मुझे कमेंट करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई भी देती रहूँगी, बस थोड़ा लेट आएगा। कि देखिए मैं बाद में आपको कमेंट देती रहूँगी। देखिए मेरी रेडी हो गई, अगर आपको चीज़ वगैरह भी डालना है तो आप दाल डाल सकते हैं, बस मैं इटालियन क्रीमी पास्ता बना रही, तो मैंने इटालियन क्रीम भर भर के डाला है, थोड़ी क्रीम और डाल सकते हैं ताकि ये इसका टेस्ट और बढ़ा दे। ये मेरी अमूल का क्रीम, अमूल क्रीम इसकी जो डिशेज होती है काफ़ी डिलीशियस बनती है, तो प्लीज़ आप लोग भी इंजॉय करिए, बनाइए। मेरी रेडी हो गई, अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी, ये देखिए मैं इसको सर्व करूँगी। पास्ता को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था, इसलिए बॉईल करके रखा था कि मुझे टाइम ज़्यादा ना देना पड़े, जल्दी से रेडी हो जाए, क्योंकि ये स्नैक्स है, इवनिंग स्नैक्स, तो आप लोग जल्दी से बना के बच्चों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए मैं सर्व करती हूँ उसको, अब देखिए कितनी धुआंधार डिश बनी है मेरी कितनी देखिए कितनी महक आ रही है, इतनी इतनी अच्छी बनी है कि आप लोग भी खाइए, इंजॉय करिए मेरी डिश को, क्रीमी अमूल क्रीम पास्ता। ये देखिए जल्दी जल्दी लाइक कमेंट करिए, सब कहाँ से मुझे बताते रहिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी मैं रेवली से हूँ। ये मेरी रेडी हो गई, ये देखिए अब मैं इसको सर्व करूँगी, स्प्रिंकल करूँगी चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो थोड़ा ज़्यादा डालिए, अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें स्पाइसेस थोड़े कम कर दीजिए। ये मेरी रेडी हो गई एंड मैं अब ये मेरा चिल्ड फ्रूट क्रीम रेडी नाउ, तो मैं इसको गार्निश करने के लिए क्या करूँगी, मैं डालूँगी वॉलनट अखरोट, अखरोट डालूँगी एंड चेरी, ग्रीन एंड रेड चेरी, जो मेरे डिश को और भी रेडी डिलीशियस कर देगा। तो मैं डेकोरेशन करने के लिए भी आपको बता रही हूँ कि कैसे डेकोरेशन करना है, जिसमें ये फ्रूट क्रीम है तो आप फ्रूट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। देखिए मेरा रेडी हो गया फ्रूट क्रीम एंड इटालियन क्रीमी पास्ता, हेलो ये देखिए खाइए, एंड ये देखिए मेरा फ्रूट क्रीम पास्ता एंड इटालियन क्रीमी। तो प्लीज़ मेरे इसको लाइक कमेंट दीजिए एंड बनाइए, देखिए
मैंने तो बना के मैं एंजॉय करूंगी, प्लीज आप लोग भी एंजॉय करिए, घर पे बनाइए। तो ओके, लाइक एंड कमेंट करते रहिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट फेसबुक लाइव में।